हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्जाम बेस्ट। दोस्तों, आज हम हरियाणा के जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज में हरियाणा के अभिलेख और श्रीमद् भगवद गीता से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगे पूछे जाने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो दोस्तों, ये मोक्षदा एकादशी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के कुल कितने अध्याय हैं? तो गीता में दोस्तों कुल 18 अध्याय हैं। गीता में कुल कितने श्लोक हैं? तो गीता में 700 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के किस अंक का महत्व है? तो जो 18वां अंक है उसका बहुत ज्यादा महत्व है गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो गीता का सबसे बड़ा अध्याय 18वां अध्याय है। गीता में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो गीता में 12वां और 15वां अध्याय सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता जयंती का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? तो ये 18 दिन तक किया जाता है, जो कि माघ शीर्ष मास में ज्योतिष सरोवर क्षेत्र में आयोजन किया जाता है। राज्य में गीता मिनीषी की संख्या किसे दी गई है? तो राज्य में गीता मिनीषी की संख्या स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंडलेश्वर की उपाधि किसे दी गई है? स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को ही महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। गीता जयंती आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो गीता जयंती आयोजन समिति का जो अध्यक्ष है वो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। गीता में श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम बताया गया है? तो श्री कृष्ण जी के शंख का जो नाम था वो पांचन्य बताया गया है। गीता में अर्जुन के शंख का नाम क्या बताया गया था? तो उनके शंख का जो नाम है वो देवदत्त बताया गया है। नेक्स्ट है, गीता में युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम बताया गया है? तो अवंती विजय युधिष्ठिर के शंख का नाम। गीता में भीष्म के शंख का क्या नाम बताया गया था? तो उनके शंख का नाम है वो पौंडरिक बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में नकुल के शंख का क्या नाम बताया गया था? तो उनके जो शंख का नाम था वो शुभोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में सहदेव के शंख का क्या नाम बताया गया था? तो सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का प्रारंभ किस युक्ति से होता है? तो गीता का प्रारंभ धृतराष्ट्र युक्ति से होता है। गीता का समापन किस युक्ति से होता है? तो गीता का समापन है वो संजय युक्ति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता भवन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, गीता भवन संस्थान कुरुक्षेत्र में स्थित है। इसका जो पूरा नाम है वो कुरुक्षेत्र पुस्तकालय है। इसका निर्माण रीवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र द्वारा 1967 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो गीता के जो प्रथम अध्याय का नाम है वो विषाद योग। नेक्स्ट है, गीता उपदेश के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बार संबोधित किया था? तो गीता उपदेश के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 85 बार संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के किस अध्याय में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है? तो ये गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य किस अध्याय में है? ये गीता के चौथे अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में दलदल किसे कहा गया है? तो गीता में दलदल मोक्ष को कहा गया है। गीता महाभारत के किस पर्व का है? तो ये भीष्म पर्व का है। गीता के किस अध्याय में श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो ये 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी का दिव्य रूप दर्शाया गया है। गीता अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कितने समय में सुनाई थी? तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता 45 मिनट्स में सुनाई थी। नेक्स्ट है, गीता में भारत किसे कहा गया है? तो गीता में भारत अर्जुन को कहा गया है। गीता के किस अध्याय में संसार को वृक्ष रूप में दिखाया गया है? तो पुरुषोत्तम योग, जो कि 15वें अध्याय में है, उसी अध्याय में संसार को वृक्ष रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार श्री कृष्ण किसके अवतार थे? तो गीता के अनुसार श्री कृष्ण भगवान इंद्र के अवतार माने गए हैं। राज्य के किस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं? तो ये बिरला मंदिर, जो कि थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है, उसकी दीवारों पे गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं। इसका निर्माण श्री जुगल किशोर बिरला ने 1955 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती 2018 में भागीदार देश कौन सा था? तो वो मॉरिशस था, और इसके जो मुख्य अतिथि थे वो मॉरिशस के राष्ट्रपति कैशियम जी थे, और सहयोगी राज्य था वो गुजरात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का प्रथम बार देश से बाहर आयोजन किया गया था मॉरिशस में, जो कि 2018 में किया गया था,
और दूसरी बार गीता जयंती का जो आयोजन है, अगर हम देश से बाहर की बात करें, वो लंदन में किया गया था अगस्त 2019 में। अगले जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों हरियाणा के अभिलेख हैं उनसे रिलेटेड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य का अभिलेखागार पंचकुला में स्थित है। जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा के क्षेत्रीय अभिलेखागारों की स्थापना 1976 में की गई थी और इनकी संख्या 2 है, जो कि अंबाला और हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है वो टोपरा का अभिलेख है और इसको ब्रह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी भाषा प्राकृत, जिसकी कुल संख्या 7 अशोक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो हरियाणा के इतिहास की जो जानकारी है वो टोपरा अभिलेख से ही मिलती है और इसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगा कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे चुरा कर दिल्ली शिफ्ट कर दिया था और इसको अब वर्तमान में अगर हम बात करें तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में यह टोपरा का अभिलेख स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, टोपरा के अभिलेख से सम्राट अशोक के अलावा और किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो टोपरा के अभिलेख से विशाल देव विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक राजा के अलावा। सम्राट अशोक के राज्य में कुल कितने अभिलेख मिलते हैं? तो सम्राट अशोक के राज्य में कुल 33 अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ पर मिला है? तो दोस्तों ये सुध में मिला है और सुध जगाधरी यमुनानगर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख कहाँ पर मिला है? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख पेहवा में मिला है, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि यहीं से राजा भोज का अभिलेख भी मिला है, प्रतिहार राजा महेंद्र पाल का अभिलेख भी पेवा से ही मिला है। इस अभिलेख में मंदिरों के निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है और राजा महीर भोज के समय में पेवा उत्तरी भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जहां पे घोड़ों का व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? तो लडाणु जो अभिलेख है उससे पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य से संबंधित एक अभिलेख किस देश में मिला है? तो ये अभिलेख चीन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाओस के राजा देवका द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया? तो कुरुक्षेत्र की धरती की महिमा का वर्णन राजा देवका द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनीपत ताम्रपत्र अभिलेख से कौन से वंश की जानकारी मिलती है? तो राजा जो हर्षवर्धन है उसके वंश की जानकारी हमें सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के शासक बने थे और 634 और 35 में इन्हें पुलकेशन द्वितीय द्वारा हराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित बताया गया है? तो यह 9वीं शताब्दी से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोष्ठी लिपि में अंकित अभिलेख किस राज्य में मिला है? ग्रोष्ठी लिपि में अंकित अभिलेख करनाल में मिला है और इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि इस अभिलेख से राज्य में तालाबों के निर्माण की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले? तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।